तो मैं पूरे सम्मान के साथ और जोरदार तालियों के साथ आवाज देती हूं संबोधन के लिए डॉक्टर मोहन यादव जी को, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के उद्घाटन के अवसर पर यशस्वी मुख्यमंत्री मेरे अभिन्न मित्र और आपके अपने नेता, जोरदार ताली बजाओ श्रीमान विष्णुदेव साय जी के लिए, जिनके नेतृत्व में आपसे लगभग सवा महीने बाद सफल मुख्यमंत्री के रूप में एक साल भी होने वाला रहेगा। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए भी जोरदार ताली बजाएं, जिनके नेतृत्व में ऐसी नई लीडरशिप, कभी कोई सोच सकता था कि हमारे जैसे कोई व्यक्ति को मध्य प्रदेश, विष्णु जी को छत्तीसगढ़, वो दो डिप्टी सीएम श्रीमान अरुण राव जी और विजय शर्मा जी, जोरदार ताली बजाओ सभी के लिए। ये लोकतंत्र के सच्चे अर्थों में ये जो उद्भट विचार है उसको पुनर्स्थापित करने का प्रयास है। माननीय डॉक्टर रमन सिंह, जोरदार अभिनंदन करो एक अपने छत्तीसगढ़ के नए पूरे वर्तमान परिदृश्य को, जिस प्रकार से उनने अपने मुख्यमंत्री काल में सजाया, संवारा, डेवलप किया और उतने उदार भाव से इस विधानसभा के पद को भी गौरवान्वित कर रहे हैं अध्यक्षीय कार्यकाल के नाते से। इस अवसर पर हमारे अपने मित्र और बड़े भाई जैसे भी है सम्मानित सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल जी, आपका भी मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे साथ मंत्रीगण माननीय दयाल दास जी बघेल जी, माननीय श्याम बिहारी जायसवाल जी, टंकराम जी चीफ सेक्रेटरी छत्तीसगढ़, डीजीपी छत्तीसगढ़ और सभी उपस्थित अतिथिगण, आज के इस अवसर पर यहां ये सत्य है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों में कोई अंतर नहीं, ऐसे है कि दोनों सगे भाई हैं। इसीलिए उस भाईचारे को बनाए रखने के लिए, यद्यपि छत्तीसगढ़ को 24 साल हुए मध्य प्रदेश से अलग होकर के, लेकिन इसी बात को एक रेखांकित करते हुए हमारे दोनों का जन्म का दिन एक ही रखा है, 1 नवंबर। इस भाव के लिए जोरदार ताली बजाओ। ये भाव सदैव हमें लालायित करता रहेगा कि हम में और आप में कोई अंतर नहीं, कदम कदम पर हमारी साझा संस्कृति है, साझा विचार है और साझा राष्ट्रवादी भाव को लेकर के चलने वाला ये छत्तीसगढ़ परमात्मा ने जब दिया है तो सच कहा डॉक्टर रमन सिंह जी ने, कुछ ज्यादा ही दिया छत्तीसगढ़ को और ये खुशी हमें भी मध्य प्रदेश में है। धान का कटोरा अगर किसी पूरे देश में किसी राज्य में माना जाता है तो वो छत्तीसगढ़ को माना जाता है। इसलिए तो कहा गया है छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, ये सम्मान ऐसे हासिल नहीं हुआ है। अपने भोलेपन के लिए, अपनी गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत को संभाले हुए वनांचल में भी और माइनिंग में भी किसी क्षेत्र में पीछे नहीं, लेकिन 55 साल तक मैं जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा, इतने संभावना वाले प्रदेश के साथ पूर्ववर्ती सरकारों ने बहुत छोटे मन से काम किया। छत्तीसगढ़ का वो काल याद करें जिस काल में लोगों को अनाज नहीं मिलता था, यहां भूखे मरना पड़ता था, कितने कष्ट थे, लेकिन जोरदार अभिनंदन करो यशस्वी प्रधानमंत्री तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जिनके कारण से ये सारे संकटों का समाधान निकला है, जिनके नेतृत्व में इस नए राज्य का उदय हुआ। और नए राज्य का उदय नहीं हुआ, हमारे इस पूरे क्षेत्र में रायपुर से लगाकर के बस्तर तक, जगदलपुर से लगाकर के पूरे क्षेत्र में जिस प्रकार से विकास का यह आयाम खड़ा हुआ है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, अब तो डबल इंजन की सरकार और तेज गति से आगे बढ़ रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अतीत के काल में भी भगवान राम ने भी जहां बड़ा समय यहां गुजारा है, माता कौशल्या का भी इस जन्मभूमि से संबंध आता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भगवान राम के साथ भी हमारे लिए झूठे बेर खाने वाला प्रसंग
अगर माता सबरी के साथ जुड़ता है तो वो गौरवशाली प्रसंग भी हमारी आदिवासी संस्कृति से जोड़ करके भगवान राम के उस काल को गौरवान्वित करता है। वो स्थान भी छत्तीसगढ़ है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। भगवान कृष्ण का भी संबंध आपसे आता है, मैं इस बात के लिए गौरवान्वित होता हूँ कि आज मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो या द्वारका का लगा हुआ गुजरात का क्षेत्र है, भगवान राम और कृष्ण जिनके दोनों के कारण से देश गौरवशाली अपना अतीत समेटे हुए है, आज इस अवसर पर हमारी ये बिखरी हुई संस्कृति भगवान और राम और कृष्ण के नाम से जानी जाती है, उस गौरवशाली अतीत के लिए भी हमारी सरकार मिलकर काम करेगी। मैंने विष्णु जी से भी इस बात के लिए समर्थन लिया है कि अलग अलग क्षेत्रों में हमारी संस्कृति के ऐसे चिन्हों को लेकर के भगवान राम के लिए वन गमन बड़ा एक प्रोजेक्ट है, लेकिन भगवान कृष्ण की भी जहां जहां लीलाएं हुई है ऐसे स्थानों को चिन्हित करते हुए प्रत्येक स्थान पर भी धार्मिक तीर्थ स्थल के आधार पर धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने का निर्णय हमने किया है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब भगवान अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं, मेरे साथ आज ये दिवाली मनाने का जो हमको आप सबको मौका मिला है, राज्य उत्सव की और कीर्ति बढ़ गई। ये राज्य उत्सव में दीप उत्सव भी जुड़ा है, तो एक बार भगवान राम का भी जयकारा करें, बोला जय जय श्री राम। भगवान राम का वो अयोध्या का नजारा इस साल जो निकला है वो हमारा पूरा रोम रोम राममय बना रहा है, रोमांचित कर रहा है, आनंद में सराबोर कर रहा है। और ऐसा कर रहा है कि भगवान राम की वो काल की स्मृति आज भी बच्चे बच्चे के मन में थी, 500 साल के संघर्ष के बाद, क्योंकि ये हमारे शिल्पग्राम, ये मेले, ये हमारे राज्योत्सव अगर ये हमारी उस गौरवशाली संस्कृति से जुड़ते हैं तो ये यशस्वी उस सौभाग्यशाली हम लोग जिनने 500 साल के संघर्ष के बाद आज वो समय पाया है कि अपनी आंखों के सामने से आतताई द्वारा किए गए उस गलत काम को हमने अपने आंखों के सामने सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से प्रतिकार होते भी देखा और भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होते भी देखा, सरयू को मुस्कुराते भी देखा और दीप से दिवाली लाखों की लाखों दुनिया के अंदर जो जो बैठे थे सबकी आंखें भराई, सबका आनंद से हिलोरा लेता हुआ उत्साह हमको दीपावली की सभा के लिए भी प्रोत्साहित करता है और वो संकल्प दिलाता है कि गांव गांव के अंदर बैठे हुए सनातन संस्कृति के लोग भगवान राम के जयकारे में हमारी आदिवासी संस्कृति की भी जयकारे में कदम से कदम मिला के चलते हैं। मैं तो आपको और बधाई देना चाहूंगा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, कि ये जो नक्सलवादी मूवमेंट के खिलाफ जो आपने अभियान चलाया है ये पूरा देश आपका वंदन कर रहा है, अभिनंदन कर रहा है। जिस प्रकार से हमारे निरपराध ग्रामीण वासियों की, आदिवासियों की ये जो हत्याएं हो रही थी, यही तो है राम राज्य का सच्चे अर्थों में। उस समय राक्षस राज था, भगवान राम ने मार्ग दिखाया, आपने आगे कदम बढ़ाया है और मध्य प्रदेश भी आपके साथ कदम से कदम मिला के चलेगा। ऐसे राज्य के परस्पर जुड़े हुए एक एक काम में, चाहे औद्योगिकरण होगा, चाहे वन्य के अलग अलग प्रकार की हमारी चीजें, अब आप कमाल है, देखो हमारा वो जमाना था जब अपने बीच में से छत्तीसगढ़ भी और मध्य प्रदेश भी ऐसा मानते कि हाथी विहीन हो गए राज्य, ऐसे ही माना जाता था डॉक्टर साहब। लेकिन आज परमात्मा की दया से अनुकूल समय आता है तो गजराज भी प्रसन्न होते हैं, हमारे जंगलों में हाथी ने भी बसेरा बनाया है, हाथी मेरा साथी है, जीवन जीने का नया दरवाजा दिख रहा है। इसलिए हमारी साझा कई सारी योजनाओं पे हमको काम करना पड़ेगा। ये उड़ीसा से लेके दक्षिण भारत से हमारे तक ऐसे कई और बहुत सारे काम है, आज तो समय की कमी है, मैं विलंब से आने की क्षमा भी चाहता हूँ, लेकिन आने वाले समय में आपके ऐसे सभी कामों को लेकर के मेरा समर्थन भी रहेगा और मध्य प्रदेश भी आपके साथ कदम से कदम मिला के चलेगा। हमने लाडली बहना योजना बनाई, आपने महतारी वंदन बनाया, ये जो हमारी सरकार है गरीबों को, भाइयों को, बहनों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार के नाते से इसी प्रकार से लेके चलती रहेगी। मैं पूरे आयोजन की
एक बार फिर आपको बधाई देता हूं और हृदय से धन्यवाद भी देता हूं, जिसके कारण से आपने मुझे बोलने के लिए यहां बुलाया और मुझे मौका दिया। मुझे आनंद आया और उम्मीद करते हैं विकास के इस क्रम में डॉक्टर साहब यहां हैं, आपका लंबा अनुभव है इस विधानसभा के साथ साथ सरकार का भी, इस नाते से मध्य प्रदेश में भी पुरानी विधानसभा के भी आप माननीय सदस्य रहे हैं। ऐसे में हमारी साझा संस्कृति है, उम्मीद करेंगे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ये मिलकर के विकास के मामले में बार बार बैठते रहेंगे। एक बार फिर इस पूरे आयोजन में मेरी अपनी ओर से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, भारत माता की जय। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माननीय आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी। बहुत ही सुंदर शब्दों के साथ आपने हमारा मार्ग प्रशस्त किया है और प्रोत्साहन हमें दिया है, हमें सदैव आपका ये उद्बोधन याद रहेगा। और अब हम आगे बढ़ेंगे कि इस विशाल और ऐतिहासिक कार्यक्रम की यादें हमेशा हमारे अतिथियों के जहन में भी जीवित रहें, इसके लिए स्मृति चिन्ह हम भेंट करना चाहते हैं। और अब हम आमंत्रित करते हैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ श्री विष्णुदेव साय जी, साथ ही मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन जी को, कि आप सम्माननीय अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। आपको बता दें कि इस प्रतीक चिन्ह में छत्तीसगढ़ के नक्शे के साथ वन्य जीवों के संरक्षण का संदेश, जनजातीय स्थितियां वहां पर है। और साथ ही मुख्य अतिथि महोदय से हम निवेदन करेंगे कि छत्तीसगढ़ हर्बल्स के द्वारा भी एक हैम्पर हम माननीय मुख्य अतिथि महोदय को देना चाहते हैं, और उसके लिए हम निवेदन करते हैं अपनी टीम से कि आदरणीय विष्णुदेव साय जी माननीय मुख्य अतिथि महोदय को ये भेंट करेंगे। छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों से लघु वनोपज को इकट्ठा करके ये तैयार किया गया है, स्मृति चिन्ह की कड़ी को आगे बढ़ाते और हुए। अब हम आमंत्रित करते हैं मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन जी को और डीजीपी श्री अशोक जुनेजा जी को, कृपया आएं और माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ को स्मृति चिन्ह भेंट करें। सीजी हर्बल का ये गिफ्ट हैम्पर और स्मृति चिन्ह, इस स्मृति चिन्ह में हमारे कलाकारों की संस्कृति और छत्तीसगढ़ की गौरवशाली परंपरा समाहित है। और इसके बाद हम आमंत्रित करते हैं पीसीसीएफ श्री श्रीनिवास राव जी को, कृपया आए और माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करें। स्मृति चिन्ह की अगली कड़ी में आगे बढ़ाते हुए श्री अविनाश चंपावत जी माननीय सचिव महोदय से हम आग्रह करते हैं माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी का आप उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। साथ ही अनबलगन पी माननीय सचिव जी आपसे आग्रह है कि माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी को आप स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। इसके साथ ही अब हम आमंत्रित करते हैं मंचस्थ अतिथिगणों को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए, श्री अविनाश चंपावत जी को, श्री अनबलगन जी को, श्री विवेक आचार्य जी को, श्री विश्वेश कुमार जी को, कृपया आए और मंचस्थ अतिथिगणों को स्मृति चिन्ह भेंट करें। हमारे बीच में मंच पर माननीय खाद्य मंत्री श्री दयालदास बघेल जी उपस्थित हैं, उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट करें। साथ ही माननीय मंत्री महोदय श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। माननीय मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। साथ ही माननीय लोकसभा सदस्य श्री बृजमोहन अग्रवाल जी हमारे बीच उपस्थित हैं, माननीय विधायक रायपुर पश्चिम श्री राजेश मूडत जी, माननीय विधायक श्री पुरंदर मिश्र जी, माननीय विधायक श्री मोतीलाल साहू जी, माननीय विधायक श्री अनुज शर्मा जी, माननीय विधायक गुरु खुशवंत साहेब जी, माननीय विधायक श्री इंद्र कुमार साहू जी, माननीय विधायक संपत अग्रवाल जी, माननीय विधायक रोहित साहू जी, श्री संजय श्रीवास्तव जी, हम सभी मंचस्थ माननीय अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए सभी अधिकारियों से आग्रह करते हैं। ये बहुत ही सुंदर अवसर आज जब 24 वर्ष पूरे हो चुके हैं छत्तीसगढ़ राज्य के स्थापना के, और सभी अतिथियों का आगमन इस मंच पर हुआ और आज इसकी शुरुआत हुई है 3 दिनों तक चलने और वाले। इसके साथ ही हम आभार प्रदर्शन के लिए आमंत्रित करते हैं श्री विवेक आचार्य जी को। संचालक संस्कृति एवं प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड श्री विवेक आचार्य जी। मैं आभार व्यक्त करता हूं
माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर यादव जी का, जिन्होंने हमारा आतिथ्य स्वीकार किया और हमारे राज्योत्सव दिवस 2024 में आज वो मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। मैं धन्यवाद व्यक्त करूंगा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णु।